फोटोशॉप के अंदर सन बर्स्ट इफ़ेक्ट कैसे बनाते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगा। और एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ पे आपको ये इफ़ेक्ट दिख रहा है, सेम यहाँ पे देखिए ये अलग कलर में ये इफ़ेक्ट दिख रहा है, सन बर्स्ट इफ़ेक्ट। बहुत सिंपल और इजी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं, और मैं जो आपको तरीका बताऊँगा आप फोटोशॉप के किसी भी वर्सन में आप कर सकते हैं, चाहे वो फोटोशॉप का नया वर्सन हो चाहे वो पुराना वर्सन है। तो इसको करने के लिए स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले फाइल में जाएं, न्यू में क्लिक करें, करने के बाद यहां पे आप नाम दे सकते हैं, यहां पे आप कस्टम चूज़ कर लीजिए। और मैंने देखिए यहां पे साइज़ जो ले रखा है 1080 पिक्सल, और यहां पे हाइट भी 1080 पिक्सल का रखा है, रिजोल्यूशन 72 रखा है, आप 300 भी रख सकते हैं, मोड RGB रखा है, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड का कलर वाइट रखा हुआ है, 1080x1080 पिक्सल का साइज ले लिया है। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से स्क्वायर नुमा एक पेज आ जाएगा। हो जाने के बाद अब करना क्या, आपको सिंपली यहाँ पे टूल बॉक्स में जाना है, और यहाँ पे देखिए ऊपर में फोरग्राउंड में आपको वाइट रखना है और बैकग्राउंड में ब्लैक रखना है। अगर मान लेते कोई भी और कलर है तो यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली ये ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए इंटरचेंज, यहाँ पे वाइट और यहाँ पे नीचे ब्लैक। करने के बाद यहाँ पे ग्रेडियंट में आना है आपको, ग्रेडियंट टूल पे क्लिक कर कीजिए। करने के बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ग्रेडियंट का जो ऑप्शन बार है यहाँ पे वाइट और ब्लैक होना चाहिए, कर दिया, देख लीजिए। अगर यहाँ पर नहीं है तो ये वाला चूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर वाइट है और यहाँ पर ब्लैक है। उसके बाद ये वाला जो है आपका, ये जो है लीनियर ग्रेडियंट, इसको क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ मोड नॉर्मल, ओपेसिटी 100, ये रिवर्स वाला ऑप्शन को ऑफ़ कर दीजिएगा, बाकी जो सेटिंग है एज़ इट इज़ रखना है। उसके बाद पेज के ठीक यहाँ से ऊपर से लेकर शिफ्ट की के साथ इस तरह से आपको ड्रैग कर देना है, ग्रेडियंट से इस तरह से फिल कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे फिल होगा, देखिए ये मैं शिफ्ट की के साथ इसको मैं इस तरह से ड्रैग कर दे रहा हूँ, देखिए फिल हो गया। फिल हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ जो मेनू बार है यहाँ फिल्टर में जाना है। जाने के बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए डिस्टॉर्ट है, डिस्टॉर्ट में जाने के बाद नीचे आइए, यहाँ पे देखिए वेव है, वेव पे क्लिक कीजिएगा। इस तरह से वेव का एक पैलेट खुलता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखना है, यहाँ पे देखिए टाइप दिया हुआ है, तो हो सकता है आपका साइन रहे इस तरह से, रहे ट्रायंगल रहे इस तरह से रहे, लेकिन आपको चूज़ करना है स्क्वायर, स्क्वायर चूज़ कीजिए। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ जनरेटर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, कर दिया। यहाँ पे वेव लेंथ है, हो सकता है आपका वेव लेंथ कुछ इस तरह दिखाई देता होगा या हो सकता है इस तरह दिखाई देता होगा, तो कम से कम जितना कम रखिए इसको, यहाँ तक मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये देखिए इतना रख दिया, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। और ये वेव लेंथ ऐसे देखिए यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा वेव लेंथ और बढ़ा दिया, ठीक है, इतना रखा है मैंने, 76 76 रखा है, इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन इस तरह लाइन दिखना चाहिए, आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, तो अगर हो सकता है आप जब भी स्टार्टिंग में कर रहे होंगे तो आपको इस तरह से एम्पलीट्यूड दिखता होगा, तो इसको सबसे ज़्यादा एंडिंग पोजिशन पर ले जाइए, 999 999 हो गया। यहाँ स्केल है, इसको भी 100, इसको भी 100, बाकी जो रिपीट एजेस पिक्चर ऐसे रख देना है, हो गया सब कुछ, देख लीजिए अच्छी तरह से। 1 76 76 रखा है, 999 999 100 100, ठीक है, इसमें कम और ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ स्क्वायर, उसके बाद ओके पे आपको क्लिक कर देना है, ये मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। अब इस तरह का देखिए वर्टिकल इस तरह से लाइन आ गया है। अब आपको क्या करना है, फिल्टर में जाना है, डिस्टॉर्ट में जाइए, फिर अगेन आपको क्या करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से देख लीजिए ये बन गया है, रेक्टेंगल टू पोलर दिया है, ओके पे क्लिक कर दीजिए, देखिए इस तरह से डिज़ाइन बन के रेडी हो गया। हो जाने के बाद अब रहा सवाल, इसमें अगर कलर करना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लेयर पे जाना है। उसके बाद देखिए बैकग्राउंड लेयर पर मैंने बनाया था, कोई बात नहीं है, यहाँ से नीचे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर क्रिएट न्यू फिल एडजस्टमेंट लेयर, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर सॉलिड कलर पर क्लिक कर दीजिए, अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये फिल हो जाएगा, जैसे मुझे रेड कलर का बनाना है तो रेड चूज़ कर लिया, ओके पे क्लिक कर दिया, अभी भी रेड दिख रहा है, पीछे कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल में जाइए और यहाँ पे आप कर दीजिए इसको स्क्रीन, देख सकते हैं अब ये रेड कलर से दिखने लगा, सन बस इफेक्ट। उसके बाद अगर दूसरा कलर लेना है डबल क्लिक कीजिए, यहाँ से मान लेते ये पिंक कलर चाहिए, पिंक हो गया, अगर आप चाहते हैं ब्लू कलर तो ब्लू हो गया, जैसा आपको कलर पसंद करना है यहाँ से क्लिक करके चेंज कर दीजिए। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप यहाँ पे बना सकते हैं, ये देखिए ऐसे कलर, ऐसा कलर जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जैसा आपका दिल करे, रेड ग्रीन ब्लू जैसा आपको यहाँ से पसंद है आप इस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ से कलर अपने मन मुताबिक कलर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ये कलर भी अच्छा है, ये कलर भी अच्छा है, ऐसे भी आप ले सकते हैं, जो अच्छा लगे
ओके पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद इसे आप सेव कर सकते हैं, उसके बाद यूज़ आप कीजिए। आई होप आपको समझ में आ चुका है। थोड़ा सा सेटिंग जो मैंने आपको बताया 19:20 हो सकता है, तो इसमें ये थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंजेस आपको नज़र आएगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा सेटिंग को कम ज़्यादा करके देखिए, हो जाएगा। अगर कहीं पे समझ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।